हिकमत से भरा हुआ बयान दिया है कि आप माशाल्लाह इतनी समझदार हैं कि आपने सिलाई मशीनों से आपने अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बना ली। अजीब बच्चों वाली बात है। फिर वो बता रही है कि उनको शऊर बड़ा आ गया अदालत में बैठ के, दिल कर दो बोल देते हैं और वो कहते हैं बस हम मान ले हमने जो बोला है वो ठीक बोला। तो मेरा ख्याल है दवाई की जाए इस सब गोल उनको अगर भिजवा देते और उनको कहते इनो शिनो देते कि सरदरा और छोटा हाथ को हिलाकर रखा करें। सोशल इंटेलिजेंस जो है उसके जरिए इमरान खान की आवाज़ डाल के और इमरान खान के क्लिप्स डाल के एक जो है वो बना दिया है कितने के साल ओके हो गए 70+ ही है वैसे तो उस उम्र में उनका ईमान पुख्ता हुआ है। सर आप जाने के लिए गोड़ी गोड़ी तैयार है। वो पिंकी पाजी क्या कर रही हैं, वो जो सफीनों से मिल रही हैं और आपके लिए जो है वो एनआरओ ढूंढने की कोशिश कर रही है, आपको एनआरओ मिल नहीं रहा। उन्होंने मियाँ साहब के बारे में जो तबाह जुबाई फरमाई है क्या कतर से वो वापस लंदन चले जाएंगे। नहीं वो कहते मुर्गी को देख के ना चूजा आंखों पर हाथ रख लेता है कि मुर्गी मुझे नहीं खाएगी, मुर्गी आ रही है आपको खाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। टुडे अपडेट अस्मा बुखारी के आज के ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ और आज हमने जल्दी जल्दी दो तीन बातें करनी है। एक तो द ग्रेट लीमा बाजी जो हैं उन्होंने बहुत ही कोई ईमान अफरोज, सियासत अफरोज और अकल अफरोज किस्म का एक बयान दिया है और उन्होंने साइफर के बारे में जो है वो ख्यालात का इजहार किया है। उन्होंने एक पैगाम भी इमरान खान का जो है वो कौम को पहुँचाया है और एक जाली पैगाम जो है वो जो पीटीआई ने जारी किया है उस पर बात करेंगे। उसके बाद एक डॉक्टर ने जो है वो इमरान खान की बीमारी के हवाले से बड़ी एक तश्वीशनाक खबर दी है उस पर बात करेंगे और एंड पे जो है अगर टाइम मिला तो लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो फिर से मतलब उन्होंने एक फुलझड़ी छोड़ी है तो उस फुलझड़ी के ऊपर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। पहले शुरू कर लेते हैं अलीमा बाजी से। अलीमा बाजी जो है वो आजकल इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से जो है वो कहीं ना कहीं आपको नज़र आ जाती हैं। अच्छी बात है, भाई तकलीफ़ में हो तो बहनों को जो है वो सामने आना ही चाहिए। वो आ भी रही हैं, अदालत में भी जा रही हैं वो उनके केसेस को सुनने के लिए। पिंकी पीनी साहबा कहीं नहीं गई वैसे अदालत में, आपने उनको कहीं नहीं देखा इमरान खान के किसी केस में जो है वो जाकर पेश हो रही हूँ या वो सुन रही हूँ कि क्या हो रहा है। तो अलीमा बाजी जो हैं वो उन्होंने निकली हैं जब वो साइफर केस की सुन के, तो उसके बाद उन्होंने एक बहुत हिकमत से भरा हुआ बयान दिया है। सो वो हिकमत से भरे हुए बयान के ऊपर आपको पता है कि मेरे तो बहुत ज़रूरी हो जाता है ना मेरा रोशनी डालना। तो उन्होंने जो है वो गुजारिश ये की है कि उन्होंने कहा कि इमरान खान को जो है वो सज़ा देने की कोशिश की जा रही है, केस में कुछ नहीं है और उन्होंने बताया है कि वो अदालतों में बैठकर बहुत बाशऊर हो गई हैं और इस शऊर का मुजाहरा जो है वो अगली तीन चार लाइनों में वो फरमाती हैं, वो मैं आप तक जो है वो पहुँचा देती हूँ। उन्होंने कहा कि जो है वो ज़रा गौर फरमाएं, ये केस राणा सनाउल्ला ने किया है, केस साइफर का है और अगर इस केस के अंदर जो है कोई प्रॉब्लम है, अगर फॉरेन मिनिस्ट्री का कोई कागज़ गुम हो गया है तो बिलावल को केस करना चाहिए और ये सारा केस जो है ये डोनाल्ड लू के लिए हो रहा है। अब इसमें बाजी से बंदा कहे कि ठीक है कि आप माशाल्लाह इतनी समझदार हैं कि आपने सिलाई मशीनों से आपने अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बना ली, लेकिन हर चीज़ में तबाजमाई नहीं ना फरमाते, मतलब जिस बात का पता ना हो उस पर ज़रूर बोलना है आपने। अब उन मौसूफा को ये नहीं मालूम कि साइफर जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है वो केस चल रहा है और वो वजारत दाखिला के अंडर ही आता है। लेकिन मतलब वो उन्होंने कहा जी बिलावल को केस करना चाहिए। अच्छा बिलावल केस करता तो क्या होता कि वो केस की नौीयत बदल जाती। अजीब बच्चों वाली बात है। फिर वो बता रही है कि उनको शऊर बड़ा आ गया अदालत में बैठ के। हाँ जी उनको पता बहुत चल गया मामलात का। आप इससे अंदाजा लगाइए, इनके बयानात सुन के अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो जो लीडर ओह जो अवाम और इसीलिए तहरीक इंसाफ के लोगों को हकाइक से, उनका कानून से, उनका जो है वो सच सच से उनका कोई लेना देना नहीं होता। उन्होंने जो दिल करता वो बोल देते हैं और वो कहते हैं बस हम मान लें हमने जो बोला है वो ठीक बोला है। तो देखें तो वो ना करें बाजी, आप मतलब मेहरबानी करें वो सिलाई मशीनों की तरफ तवज्जो रखें, ये आपके पास की बात नहीं है। अच्छा फिर वो है कि डोनाल्ड लू के लिए केस हुआ है। ओ भाई डोनाल्ड लू पाकिस्तानी शहरी है, उसके लिए केस होगा? और ये जो है ये कारनामा इमरान खान साहब ने फरमाया है तो जाहिर है इमरान खान जो है वो उसको जवाब देना है। अच्छा फिर वो कह रही है डोनाल्ड लू बाजवा और अमेरिकन एम्बेसी के जो है वो कहने पर यह केस हो रहा है। बंदा दसो कि बाजी को भूल गया है, मैं याद करा देती हूँ, बाजी को भूल गया है कि इमरान खान जो है वो डोनाल्ड लू से, अमेरिका से,
पीछे हट चुके हैं। उन्होंने कहा हुआ है कि वो सब चीजों को पीछे छोड़ आए हैं और कोई कसूर नहीं था, साजिश लोकल तैयार हुई थी, यहाँ बैठ के इम्पोर्टेड नहीं थी, लोकल थी, और वो हकीकी जादी से भी पीछे हट गए थे, अमेरिका से भी उनको जो है वो निजात नहीं लेनी थी, और हकीकी जादी भी बाय द वे लोकल हो गई थी। वो अब जो है वो जो डर्टी हैरी है और जनरल आसिम मुनीर साहब तक जो है वो अब पहुंच गई थी साजिश। तो वो या जो है वो आपको याद होना चाहिए कि इमरान खान ने एक पूरी पता ना आपको कैंपेन चलाई थी कि हमें जो है वो अमेरिका का नाम नहीं लेना, वो ऑडियो में भी मौजूद है, और उन्होंने जो है वो उन्होंने कहा पीछे छोड़ा है, अब इसके ऊपर बात ही ना करें। वो जो सवाल पूछ रहा था अगर कोई, तो उससे भी कहता नहीं नहीं छोड़ें बात करें, छोड़ें बात पीछे रह गई। तो अब वो फिर से, चूंकि मालूम है इमरान खान को साइफर के ऊपर जो है वो अब उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी है 3-4 दिनों में, और अब वो एक फिर से पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ बनाने के लिए वो एक फिर से एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी नैरेटिव को तैयार करने के लिए उन्होंने जो है वो एक अपील जो है वो कौम के नाम भी की है, उसके ऊपर भी मैं आती हूँ, लेकिन बाजी लिमा को जरा पूरा कर ले। बाजी लिमा ने आगे क्या फरमाया, उन्होंने कहा कि हम उस सीजे से अपील करेंगे कि जो है वो फिर उसके बाद वो पूछती हैं कि साइफर किसने भेजा था, वो साथ वाले वकील साहब ने पूछती प्रेसिडेंट ने भेजा था, तो उसने कहा कि नहीं वो डिप्टी स्पीकर जो है ना वो उसने भेजा था। हाँ 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 हाँ, मौसूफा को नहीं मालूम कि साइफर किसने भेजा था, उनको इस मामले में कोई हकायक का पता ही नहीं है, अलिफ बे का नहीं पता, और वो तो बाजमाई फरमा रही है। तो वो कह रही है प्रेसिडेंट ने भेजा, किसने भेजा था वकील साहब, तो वकील साहब कह रहे हैं कि जी कासिम सूरी साहब ने भेजा था। हाँ वो कासिम सूरी ने भेजा था, तो वो गुम तो नहीं होगा ना, वो तो पड़ा होगा। बाजी मैं क्या करूं, बाजी जान, प्यारी बाजी जान, वो जो साइफर है जो इमरान खान की कॉपी थी जो वजीर आजम हाउस के रिकॉर्ड में होनी चाहिए थी, बाजी वो खो गई है, और वो इमरान खान साहब खुद बता चुके हैं कि वो खो चुकी है। अब जो उन्होंने एक इंपॉर्टेंट कागज को पहले तो सियासत के लिए इस्तेमाल किया, फिर उसको गुम भी कर दिया, अब वो गुम कर दिया है या उनके पास मौजूद है, यही उनके ऊपर केस है। बाजी कहनी है बहुत शऊर आ गया, वह के दादा थे छाए जी, उनको सब पता लग गया है, तो अंदाजा लगा ले उनको कितना का पता लग गया। और फिर उन्होंने जो है वो पैगाम भी दिया है इमरान खान के बारे में। अब मैं वैसे सोच रही थी कि जिस जो है वो रॉ में बाजी ने सारी गुफ्तगू की है, साइफर का उनको कितना पता है उस केस का, उसी में आगे उन्होंने पैगाम भी जारी कर दिया है जो इमरान खान ने जो है वो आवाम के सामने किया है। इसको बाय द वे कल जो इनकी सोशल मीडिया है, जो अब पता 2 नंबरी में तो अब माहिर बहुत है, उन्होंने एक पैगाम, अल्लाह जाने झूठा सच्चा जो भी पैगाम है, उसको भी जरा हम भी डिकोड करेंगे साइफर की तरह। तो वो जो है वो उस बयान को उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके जरिए इमरान खान की आवाज डाल के और इमरान खान के क्लिप्स डाल के एक जो है वो बना दिया है एक क्लिप, और वो क्लिप जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि फसाद के जो लोग हैं वो उसको मनो अन उसके ऊपर ईमान ले आए हमेशा की तरह के जो वो कह रहा है वो दुरुस्त है। अब जरा वो क्या क्या रहे हैं जरा ये देखें। जेल से इमरान खान का अपने खानदानी जराये से अवाम के लिए पैगाम, ठीक है जी, पहले तो खानदानी जराये को तो बता देना इमरान खान साहब के आपका पैगाम क्या है। एक खानदानी जराया हमें आके बताता है कि बहुत अच्छे हैं, उनकी सेहत बहुत अच्छी है, दूसरे खानदानी जराये जो है वो उनके लिए सहूलियात के लिए दर दर जो है वो एप्लीकेशन देते फिर हैं, तो पहले अपने खानदानी जराये को तो वो कर ले। तो वो खानदानी जराये जो है वो उन्होंने क्या पैगाम दिया, उन्होंने कहा 5 अगस्त को जब मुझे अटक जेल में कैद किया गया तो चंद रोज मेरे लिए खासे मुश्किल थे, सोने के लिए बिस्तर नहीं था, फर्श पर लेटना पड़ता था, इस वक्त कीड़े मकौड़े रात को मच्छर होते थे, लेकिन अब मैं एडजस्ट हो गया। झूठो झूठ जुटा ली इमरान खान साहब, झूठ बोला ना आपने, अपनी बात बात आती थी झूठ बोलने से, आपको बेड मिल गया वहां पे, मिल गया था आपके लिए रातों रात वहां पे जो है वो पीसी का कमरा बना दिया गया था, आपको वहां पर अटैच बाथ विद कमोड विद सारी जो लग्जरीज होती हैं वो आपको सारी प्रोवाइड कर दी गई थी, तो आपने एडजस्ट तो अपने आप होना था। लेकिन ये बात आप जो है अपने वकीलों को ये पिंकी पीर नहीं को क्यों नहीं बताई, उनके आप तो जिद थे कि आपको डियाला ले जाया जाए, अब डियाला गए तो आपने रोना शुरू कर दिया। बहरहाल ये आपने झूठ मारा, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा उसके बाद इमरान खान, आज के इमरान खान और उस इमरान खान में जिसको 5 अगस्त को कैद किया गया था, जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा जी मैं आज रूहानी और जिस्मानी तौर पर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और ताकतवर हूं, क्योंकि जेल की तन्हाई में मुझे कुरान पाक पढ़ने का बगौर जो है उनको मिला है मौका, और वो ईमान को मजदूर मुस्तकम किया है। इसीलिए कहते हैं कि अगर बचपन में कुरान पाक पढ़ लेना बंदा, तो बंदे का किरदार भी अच्छा हो जाता है और बंदे को जो है वो ईमान भी पुख्ता हो जाता है। तो इमरान खान साहब का कोई कितने के साल हो गए, 72+ ही है वैसे, तो उस उम्र में उनका ईमान पुख्ता हुआ है, इससे जरा आप अंदाजा लगा लें किड्डे वड्डे मुसलमान है वो, और कितनी बड़ी रियासत मदीना उन्होंने बनानी है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी उसके बाद वो दीगर कुतुब का भी मुताला कर रहे हैं, सियासी जिंदगी के चंद गुज़श्ता सालों पे भी गौर कर रहे हैं, और गौर करने के बाद वो फिर इसी नतीजे पे पहुंचे होंगे
कि मुझे गोद ले लो, प्लीज मुझे गोद ले लो और मेरे सिर पे हाथ रख दो, ये गौर कर रहे हैं वो। अच्छा उसके बाद वो कह रहे हैं जिस भी हाल में रखे आपने घबराना नहीं है। इमरान खान साहब आप घबरा आ गए हैं सर, मतलब इतने कोई नहीं घबराया हुआ, किसी को कोई परवाह नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो लोग जेलों में सड़ रहे हैं आपके लिए उनकी आपको परवाह नहीं है, लेकिन आपको अपनी वो ये है कि मैं जेल में किस हालत में हूँ, इसी के ऊपर रौला पड़ा हुआ है पूरे पाकिस्तान में कि आप किस हालत में, लगा अच्छी खासी जो है वो हालत में रह रहे हैं। तो वो आप घबरा गए और कोई नहीं घबराया हुआ, और ना ही मेरे मुतलक फैलाई जाने वाली अफवाहों से परेशान होना है। हम दसो अब मुझे आप ये बताएं कि अफवाहें कौन फैला रहा है, इमरान खान से मिलके कौन आता है, इमरान खान के वकील और उनकी फैमिली, और बाहर आके कौम से खिताब कौन फरमाता है, इनके वकील, और वही आके बताते हैं, एक वकील बताता है उनको जहर दिया जा रहा है, दूसरा वकील उनको बताता है कि उनको जो है हार्ट अटैक होने का अंदेशा है, ऐसी दवाई दी जा रही है, एक आके बताता है कि जो है उनके साथ कोई बुरा सलूक हो रहा है। तो ये सब बातें आपके लोग आके बताते हैं, कोई नहीं अफवाह फैला रहा, आपके अपने लोग अफवाहें फैला रहे हैं, कभी वो कहते हैं आपको जो है वो जान से मार देने के लिए स्लो पॉइजन होगा, कभी कहते हैं कोई दवाई खिला दी जाएगी, कभी खाने में जहर दे दिया जाएगा, तो ये सब बातें आप फैला रहे हैं। अच्छा उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा कि आपने परेशान नहीं होना और आप भी परेशान ना होना है जी, मैं भी मतलब आपको कह रही हूँ आपने बिल्कुल घबराना भी नहीं, परेशान भी नहीं होना। अच्छा उसके बाद जो है उन्होंने कहा मेरा जीना मरना जो है पाकिस्तान के साथ है, धरती को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। सर आप जाने के लिए गोडी गोडी तैयार है, वो पिंकी पाजी क्या कर रही है, वो जो सफीरों से मिल रही है और आपके लिए जो है वो एनआरओ ढूंढने की कोशिश करी, आपको एनआरओ मिल नहीं रहा, क्योंकि जो कारनामे आप फरमा चुके हैं ना, खासतौर पर जो 9 मई आपने फरमाया, उसके बाद आपको एनआरओ को देने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं नहीं आप यही रहेंगे और यही रह के आप जो है वो इबरत का निशान बनेंगे, ताकि आने वाले दिनों में जो है वो किसी को ये जुरत ना हो कि कोई इस तरह से जो है वो 9 मई दोबारा करने की कोशिश करे। तो भाईजन मतलब हाँ जी आपको एनआरओ कोई नहीं दे रहा, सो इसलिए ये एवं खाम खा फड़े ना मारे आप। उसके बाद फिर उन्होंने वही बात की कि साइफर का ताल्लुक है, तो ये मुकदमा जो है आर्मी चीफ जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू को बचाने के लिए गड़ा गया, वो भी बाजी लीमा ने फरमाया। लेकिन मुझे तो याद आया है कि वो तो आपने तो सुलह नहीं कर ली थी, वो आपकी जो है वो एजेंसियां हैं वो भी हायर हो गई थी और वो सब कुछ, वो कहाँ गया? तो ये सब कुछ जो है ये एक नई साइफर के ऊपर खेलने की कोशिश है और पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाने का जो है वो एक प्लान इस के जरिए तैयार किया गया। फिर उन्होंने आपको पता उनकी आवाज इस्तेमाल की है, झूठी जाली वीडियो ऑडियो बनाई है और उसके साथ वो इमरान खान के क्लिप लगा के, तो वो इमरान खान को पूछ रहे हैं बैठ के पागल। अच्छा उसके बाद जो डॉक्टर है जिन्होंने तश्वीशनाक बयान दिया है, डॉक्टर आसिम यूसुफ उनके जाति मौलिज हैं, उन्होंने इमरान खान को चेक किया और उन्होंने आके बताया कि वो बहुत ठीक है माशाल्लाह, उनको कुछ भी नहीं हुआ, सब चूटो चूट, और जो है वो उनको उनको पहले से भी ज्यादा उनकी सेहत अच्छी हो गई है। डॉक्टर साहब को बंदा पूछे कि सर जब मतलब मटन पकते हो देसी घी के अंदर, देसी मुर्गे चरगे चल रहे हो, तो फिर सेहत जनाब अच्छी होती है ना, गलत तो नहीं होती। लेकिन उसका एक नुकसान उन्होंने बता दिया, उन्होंने कहा कि उनका हाजमे का प्रॉब्लम है। तो इमरान खान को कहें कि मतलब हौसले से खाया करें ना, ना किया करें इस तरह की बातें। उन्होंने हाजमे का उन्होंने बताया कि पहले से भी प्रॉब्लम उनको है, आपको याद है ना कि उनको खुश खुराक है बहुत, लोग वैसे मुरबत में खुश खुराक कहते हैं उसको, नदीद पुना मैं अपनी जबान में कहती हूँ, कि जो खाना देख के रह नहीं सकते, यू नो पड़ जाते हैं खाने को, तो वो उनमें से है, और गोश्त के अलावा आपको पता है वो खाते कुछ नहीं है, तो हाजमे का प्रॉब्लम, तो फिर जब इतनी गोश्त खोरी करें तो फिर तो होती है, तो यहाँ भी गोश्त खोरी उनकी चल रही है। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको एक दवाई दी है, तो मेरा ख्याल है दवाई की बजाय इस सब गोल उनको अगर भिजवा देते और उनको कहते इनो शिनो देते कि सर जरा और थोड़ा हाथों हिला कर रखा करें, खाना जरा काट खा लिया करें, तो मतलब बंदे का हाजमा दुरुस्त रहता है। तो ये उन्होंने हमें बताया। उसके बाद लतीफ खोसा साहब जो है वो मतलब बेपर की उड़ाते ही रहते हैं फजूल बैठ के, उनको आजकल ना हीरो बनने का बहुत शौक आया, इनकलाब आया हुआ नया नया उनके ऊपर। उन्होंने मियाँ साहब के बारे में जो है तबाह आजमाई फरमाई, उन्होंने कहा कतर से वो वापस लंदन चले जाएंगे। ये बेचारे जो है ना, इनका कसम से वो हाल है, वो नहीं वो कहते मुर्गी को देख के ना चूजा आंखों पर हाथ रख लेता है कि मुर्गी मुझे नहीं खाएगी, मुर्गी आ रही है आपको खाने के लिए। और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो आपके सामने 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पहुंचेगी भी इंशाल्लाह ताला बफजल खुदा, वहां पे एक ऐसी तकरीर भी करेंगे जिससे पाकिस्तान की सियासत का रुख बदल जाएगा, और आप जैसे बौने सियासी बौने और वो लोग जो हमेशा इमरान खान की जाली और झूठी सियासत को आगे ले जाने के लिए करंदे साबित हुए हैं वो देखते रह जाएंगे। मेरा आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करें। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।